शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। लॉकडाउन के मद्देनजर रविवार से उद्धार मल्टीपर्पज सोसाइटी की ओर से एसटी बस स्टैंड में आने वाले यात्रियों को भोजन की सुविधा की गई है। कोरोना वायरस महामारी के कारण कई दिनों से शहर लॉकडाउन की स्थिति में है और इसकी अवधि 17 मई तक बढ़ाई गई है, जिसके चलते कई मजदूर राज्य के कई क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। सरकार ने उन मजदूरों को उनके निवास स्थान भेजने की सुविधाएं की है। इसी के चलते पिछले कुछ दिनों से बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन को शुरू किया गया और वहां से प्रवासियों को उनके निवास स्थान के लिए रवाना किया जा रहा है। इसी क्रम में नागपुर के एसटी स्टैंड से कई मजदूरों को उनके निवास स्थान भेजने की सुविधाएं की जा रही है। आने जाने वाले यात्रियों को भोजन की सुविधा देने का कार्य उद्धार मल्टीपर्पज सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से यह संस्था यात्रियों को भोजन देने की सुविधा में कार्यरत। पिछले कुछ दिनों से जो हमारे नागपुर में पैसेंजर्स के लिए जो यहाँ फंसे हुए हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स और बसेस की सुविधा शुरू की गई थी। उसी के चलते जो हमारे बस स्टैंड है, बस स्टैंड में जो यात्री आते हैं उनको समय समय पर खाना देने और उनकी सुविधा के लिए कुछ संस्थाएं आगे आई है, जिसमें से एक उद्धार मल्टीपर्पज सोसाइटी है, जिन्होंने रविवार से यानी कि पिछले तीन दिनों से यहाँ जो यात्री आते हैं बसेस से, जो यात्री उतरते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की है और यहाँ पे सारे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारे नियमों का पालन करते हुए इन्हें भोजन दिया जाता है, भोजन उपलब्ध कराया जाता है। हमारे साथ इस संस्था के संचालक है, उनसे बात करते हैं सर से। सर आप बताइए कि जो यहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, वो किस तरह से दिया जाता है और किस तरह से नियमों का पालन होता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, बच्चे बोलो, बूढ़े बोलो या महिलाओं को बोलो, किस तरह से यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है भोजन, वो बताइए। संस्था के पास में करीब करीब एक 40 से 45 स्वयंसेवक है, वॉलंटियर्स है, जो कुछ वॉलंटियर्स परोसने में और किचन मैनेजमेंट में है और आधे से ज़्यादा वॉलंटियर्स हम लोग क्राउड मैनेजमेंट में लगाते हैं, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है, उनको कंपलसरीली हाथ धुलवाना है और उसके बाद में हम लोग यहाँ का भी पूरा हाइजीन मेंटेन करते हैं, ये सैनिटाइज किया जाता है एरिया बार बार, तो ये सब हम लोग बार बार करते रहते हैं। तो किसी तरह की दिक्कत आ रही है आपको भोजन प्रोवाइड करने में, या फिर अब तक आपने कितने लोगों को खाना दिया है इस 3 दिनों में? अभी तक तो कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है, अभी तक हम लोग 4,000 से 5,000 लोगों को खाना खिला चुके हैं जब से बस सुविधा चालू हुई है। इतवार रात से हम लोगों ने यहाँ पे खाना देना शुरू किया और लगातार हम लोग देते ही जा रहे हैं। और किस तरह का सहयोग मिल रहा है लोगों का, बोलो या समर्थन बोलो, कार्य को लेकर जिस तरह से हो रहा है, आपको कितना सपोर्ट दिया जा रहा है, लोग आपको किस तरह से मदद कर रहे हैं? इस ये जो एक उपक्रम है खाना बांटने का, ये उपक्रम एक किसी संस्था के उस दायरे में सीमित नहीं हुआ है, ये उपक्रम अभी लोगों का उपक्रम बन चुका है। तो हमारे साथ में जो है यहाँ पे अमित अडवाणी जी है, अमित शिंदे जी है और भी बहुत सारे लोग हैं, मुकेश जोतवानी है, संदीप सोनार है, बहुत सारे लोग जो है जो ये मेडिकल एरिया में रहते हैं, पार्टी एरिया में रहते हैं, ये सब लोग आके जुड़ गए हैं और इन लोगों ने एक ओनरशिप लेके इसमें अपना सहयोग दिया है। धन्यवाद सर। जैसा कि उद्धार मल्टीपर्पज सोसाइटी है जिसने इसको अपना दायित्व समझकर कर्तव्य निभाते हुए काम किया है, उसी तरह का यह कार्य सराहनीय है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ NBCN से दीपिका धनेश्वर।